प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 16 और 17 जून को प्रस्तावित धर्मशाला दौरे को लेकर तैयारियां जारी। कांगड़ा जिला प्रशासन तैयारियों को दे रहा अंतिम रूप। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दून विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा। चंडी में 100 करोड़ रुपए की 16 विभिन्न विकास कार्यों के किए उद्घाटन व शिलान्यास। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की मयाड़ घाटी का अंतिम गांव खंजर बस सेवा से जुड़ा। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने एचआरटीसी की बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदेश के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 5 से 8 जून तक होगा अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का आयोजन। ग्रीष्मोत्सव में सांस्कृतिक संध्याओं के अलावा पहाड़ी नाटी व खेलों सहित कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। मंडी के सदर पटेल विश्वविद्यालय में मनाया गया पर्यावरण दिवस। उपकुलपति देवदत्त शर्मा ने विद्यार्थियों की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण रैली को दिखाई हरी झंडी। हमीरपुर के 8वीं कक्षा के छात्र स्नेहवर्धन सिंह का नासा के लिए हुआ चयन। 3 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिले। बायजूस के तहत हुई ऑनलाइन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल कर नासा के लिए किया टिकट हासिल। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा का पहली बार धर्मशाला में होगा आयोजन। कल आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी। ऊना जिला का प्रसिद्ध सोमभद्रा मेला आज से शुरू। 6 दिन तक चलने वाले इस मेले का उपायुक्त राघव शर्मा ने किया शुभारंभ। इस मौके पर सोमभद्रा फेडरेशन के नए उत्पाद स्टीविया को किया गया लॉन्च। ऊना जिला में ड्रोन के माध्यम से आबादी देह क्षेत्र की मैपिंग शुरू। आबादी देह में महाल और उपमहालों में भूमि के स्वामित्व का दिया जाएगा अधिकार। राज्य में प्रचंड गर्मी का दौर जारी। आज और कल कुछ क्षेत्र में लू चलने का येलो अलर्ट जारी। 8 जून तक साफ रहेगा मौसम।